सरकार तो चुनावी आधार पे जो है जाति धर्म के आधार पे हिंसा कराती है, जुल्म कराती है, लोगों को डराने का, धमकाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। इस चालों को, इन झूठे वादों को, इन झूठी मीटिंगों को जनता देख चुकी है और जनता अब इनके झांसे में नहीं। हम तक अधिकार देंगे, दलितों को उनके अधिकार देंगे, उनके साथ जो जाति के आधार पर जुल्म हो रहा बंद करेंगे, क्या करेंगे? उनकी सरकार है, मैं लगातार कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी को, मोदी जी को आदेश करना चाहिए कि जातिहीन समाज की स्थापना के लिए जाति को खत्म करने का काम करें। वो नारे देते हैं, बटेंगे कटेंगे, इन सब नारों की बजाय जो है, चुनावी नारों की बजाय कुछ सार्थक काम करके दिखाएं। कब तक ये देश इस देश में जो जाति के आधार पर बंटवारा सहता रहेगा? अब उनकी सरकार है, जिस तरह जीएसटी पे प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा, जिस तरह से नोटबंदी पे कहा, तो देर क्यों करते हैं? मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर आज आ जाए और लाइव आके कहें कि आज के बाद देश में कोई जाति नहीं, सब भारतीय होंगे और सबको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम प्रथम अवृत्ति भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही है? सरकार तो चुनावी आधार पर जो है, जाति धर्म के आधार पर हिंसा कराती है, जुल्म कराती है, लोगों को डराने का, धमकाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये पहल बहुत दिनों से चल रही है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए, इनका जमीनी सच्चाई कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आज देश में बहुत बड़ा बदलाव होता। बाबा साहब इसी प्रयास करते हुए चले गए कि ये जो गैर बराबरी थी खत्म हो, और जब नहीं कर पाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये तो हम सबके सामने है। इस चालों को, इन झूठे वादों को, इन झूठी मीटिंगों को जनता देख चुकी है और जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर जारी किया पत्र, मदरसों की जांच। ऐसे नेता के नाम जिनके बच्चे जो हैं राजनीति में, अभी हरियाणा चुनाव खत्म हुआ, देखिए कितने नेताओं के बच्चों ने चुनाव लड़ा है। तो ये तो उनको तय करना है। हमारी, हम आजाद समाज पार्टी के प्रति जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं और हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करें। सर, आजाद समाज पार्टी रिजर्वेशन को लेकर के दलित और पिछड़ों के क्या काम? नहीं, हमने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है पार्लियामेंट में, कि अब समय आ गया है कि जो रिसोर्स है उनका सही तरह से बंटवारा हो और 2% सरकारी सेक्टर के साथ साथ निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबू 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 साहब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। देखो, नारे तो 2024 के चुनाव में लगे थे। इन नारों में शायद सच होता तो जनता को महसूस होता कि जनता ठगी नहीं गई है। जनता उस झूठ को इस बार वोट चुनाव में बताएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर यूपी में हो रहे उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों की सूची आज जारी कर दी है। ये भी आखिरी समय पे की है। ऐसा क्या हुआ जो पार्टी सत्ता में इतना क्यों भय लग रहा है? अभी अभी जो है जनता ने जो सबक सिखाया 2024 में, इसलिए बहुत समझदारी से कदम रख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर मिलजुल के लड़ाई लड़ी जाती तो इसमें भी और लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़े बदलाव। सर, आजाद समाज पार्टी के साथ जनता की बात करें, कुंदर की चाहिए, मैंने आज जो जन सैलाब देखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अभी तक नहीं देखा, इस बात गवाही दे रहा है कि कुंदरकी में हमारे प्रत्याशी और हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आया। यूपी उपचुनाव में ऑल इंडिया ब्लॉक में उम्मीदवार साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये उनकी पार्टी का, उनके गठबंधन का डिसीजन।